आज मैं लेकर आई हूं एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी कुछ इस तरीके से। अरे ये मेरे बैग में किसने रख दिया? ये कहां से आ गया मेरे बैग में? मैं भी ना, शायद मैं ही गलती से रख दिया मैंने। फेंको इसको, क्यों रखा बैग में ये सब? कहते हुए सीमा घर से बाहर निकली। सीमा एक स्कूल में पढ़ाती है और आज जब स्कूल जाने के लिए अपना बैग चेक करने लगी तो उसके बैग में उसको कचरा मिला। कुछ पेपर के पीसेस, पेंसिल के शार्पन किए हुए छिलके वगैरह। तो सोचा खुद ही रख दिया मैंने। कभी कभी काम का प्रेशर ज्यादा होता है तो कहीं की चीजें हम कहीं रख देते हैं, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। तो यही सोचकर वो चली गई, लेकिन देखती क्या है, अरे आज फिर से ये कौन कर रहा है मेरे साथ ये सब? ये कौन रोज रोज मेरे बैग में कचरा रख दे रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा है। इतने दिन से मैं नोट कर रही हूँ, रोज जब स्कूल जाने के लिए बैग खोलती हूँ उसमें कचरा मिलता है, जबकि मैं तो ऐसा करती ही नहीं हूं। अरे तुमने ही रख दिया होगा यार, सीमा के हस्बैंड बोले। अरे नहीं, मेरी याददाश्त क्या इतनी कमजोर है? तुम्हें पता है मुझे सफाई की कैसी बुरी आदत है, तो मैं क्यों रखूंगी अपने ही बैग में कचरा? अरे हो जाता है कभी कभी, गलती से रख दिया। गलती से नहीं यार, इतने दिन से मैं नोट कर रही हूँ, कोई ना कोई मेरे साथ ये कर रहा है। आज तुम्हें इस बात का पता लगा के रहूंगी। अरे कौन करेगा ये सब तुम्हारे साथ? नहीं तुम रहने दो, मैं आज पता लगा के रहूंगी, देखती तो हूं कौन आखिर ये सब कर रहा है। स्कूल में आज उसकी नजर पूरी अपने बैग पे लगी हुई थी। पूरे दिन जितना टाइम वो स्कूल में रही, देखती रही एक नजर कि कोई उसके बैग को टच तो नहीं कर रहा है, कोई उसमें कुछ रख तो नहीं रहा है, लेकिन स्कूल में ऐसे उसे कुछ नहीं लगा। घर आई, घर आकर भी उसने अपना बैग चेक किया, तब तक भी उसको अपना बैग बिल्कुल साफ मिला, कुछ नहीं मिला उसमें। तो अब उसे बस यकीन हो गया कि हो ना हो ये काम कोई घर में ही कर रहा है। घर आकर बैग को अपनी जगह रखा उसने, तो उसने सोचा ये कौन करेगा, घर में तो हम तीन ही लोग हैं, वो, उसके हस्बैंड और उसकी बेटी। हस्बैंड क्यों भला ऐसे करने लगे? तो बेटी को क्या मतलब है, 8-10 साल की है, अपने में बिजी रहती है, अपना काम होता है उसका, खेलने से फुर्सत नहीं उसको। लेकिन फिर भी पता तो करना ही पड़ेगा। या फोन में बात करते करते उसकी नजर अपनी बेटी की स्टडी टेबल पे गई, स्टडी टेबल पे जहां उसने उसको पढ़ने बिठाया था। नजर गई तो बेटी वहां नहीं थी। दबे पांव कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो देखती क्या है, उसकी बेटी बड़ी सावधानी से अपने पेंसिल के कुछ शार्पन किए हुए छिलके, पेपर के पीसेस धीरे से अपनी माँ का पर्स खोल रही है, उसके अंदर से रख रही, धीरे से अलमीरा बंद करी और कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है दरवाजे के पास सीमा, उसकी माँ खड़ी। मम्मा मम्मा मैं मम्मा कुछ नहीं, क्या कर रही थी तुम? ये तुम कर रही थी ये सब क्यों? मैं इतने दिन से पूछ रही हूँ ये कौन कर रहा है, तो क्यों तुम ये कर रही हो भाई? कहां से सीखा तुमने ये सब? तुम ये सीख के आती हो स्कूल में? स्कूल का पूरे दिन का कचरा घर लेके आती हो तुम, मेरे बैग में रखती हो? ये सिखाया मैंने तुम्हें? ये सिखा रही तुम्हारी टीचर्स तुम्हें स्कूल में? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मम्मा मम्मा वो मम्मा क्या वो बोलती क्यों नहीं हो? मम्मा आप भी तो यही करती हो ना? यही करती हो? क्या करती हूँ मैं? आप भी तो यही करती हो ना, पूरे घर का कचरा साफ करके वो मोहल्ले के चौराहे पे डाल के आती हूँ, तो मैं भी इसीलिए अपने पूरे दिन का कचरा लाकर आपके बैग में रख देती हूँ। सीमा को काटो तो खून नहीं, उसे असली गुनहगार तो मिल गया था, लेकिन उसको ये भी समझ आ गया था कि असल में गुनाह किसका है।
गलती किसकी है। असल में सीमा क्या करती थी, उसको साफ सफाई की बहुत आदत थी, उसका घर बहुत साफ रहता था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन शाइनी। जब भी आप उसके घर जाएंगे आपको बहुत साफ सुथरा घर मिलेगा। लेकिन उसकी क्या आदत थी, शाम को डिनर के बाद वो अपनी बेटी के साथ कूड़े का थैला लेकर वॉक के बहाने जाती थी और मोहल्ले का जो चौराहा था उस पे जाकर फेंक देती थी। उसके साथ होती थी उसकी बेटी, वो ये रोज देखती थी। ये उनका हर शाम का सीन था, हर रात का सीन था कहीं सोने से पहले। और क्या होता था, वो कूड़ा वहां फेंकाती थी और सुबह होने तक गाय कुत्ते उसमें मुंह डाल करके पूरा कचरा फैलाते थे और वो कचरा फैल करके पूरे मोहल्ले की गलियों में पड़ा रहता था। वो अपना घर तो बहुत साफ रखती थी लेकिन मोहल्ला फिर से उसके कचरे से भरा होता था। उसे इससे कोई मतलब नहीं था, घर तो साफ है ही, मोहल्ला भले भी कैसे ही हो। तो यही सब उसकी बेटी देखती थी और देख देख के उसने ये तरीका निकाला अपनी माँ को सबक सिखाने का। पूरे दिन का जो भी कचरा होता था जाके अपनी माँ के बैग में रख देती थी। वो घर को साफ रखने के साथ साथ अगर उसे समझ होती कि मैं ये ना करूं, अपने मोहल्ले को भी साफ रखूं, अपने समाज को भी साफ रखूं, तो शायद उसकी बेटी ये सब नहीं करती। लेकिन अब वो सीख चुकी थी कि सिर्फ घर साफ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कचरे को जाकर हम चौराहे पे फैलाएं, वो फेंक के आए और पूरा वो फैल के हमारे घरों में फिर से पहुंचता है। अब सोच चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, उसकी जिम्मेदारी अब उसे समझ आ चुकी थी कि घर के साथ साथ अपने मोहल्ले को अपने समाज को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ घर साफ नहीं करना है, अपने मोहल्ले को अपने समाज को अपनी गली को साफ सुथरा रखना है। और इस तरह से उसकी बेटी, उसकी नन्ही सी बेटी ने उसे ये सबक सिखाया। अब उसने खुद से वादा किया कि वो अगली बार से ऐसा नहीं करेगी, अपने घर को साफ रखने के साथ साथ अपने मोहल्ले को भी अपने समाज को भी उतना ही साफ और सुथरा रखेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।